Assalamu alaikum, I'm senior manager Kasum Jawad from Oriflame Pakistan. आज मैं आप लोगों को रिव्यू देने आई हूँ और बताने आई हूँ कि Oriflame के कंसीलर्स जो हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं बिकॉज आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट टू एंड आई नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली. काफ़ी लोगों को इसकी कन्फ्यूजन रहती है कि इसके दो शेड्स हैं और इनको यूज़ कैसे करना है. बेसिकली वी हैव टू शेड्स इन कंसीलर Oriflame के जो दो कंसीलर्स हैं, एक उसमें है फेयर लाइट कलर और दूसरा है उसमें ये न्यूड पिंक कलर. न्यूड पिंक कलर हम कब यूज़ करते हैं? अभी आप देखें, मैंने अपने फेस पे अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ. जब बेस आपने बनानी होती है तो बेस बनाने से पहले आपके जो डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं चेहरे पे, उधर पहले आप अपना ये न्यूड पिंक कलर जो है पहले वो लगाते हैं डार्क स्पॉट्स पे, आपके डार्क सर्कल्स पे. यानी कि बेस से पहले आपका ये वाला कंसीलर जो है ये अप्लाई होगा, जैसे कि मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ. और इसकी क्वांटिटी हमेशा, जो भी प्रोडक्ट यूज़ की जाती है उसकी क्वांटिटी को हमेशा कंट्रोल तरीके से लगाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी लगाने से भी उसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आती है कई दफ़ा, और ओवर लगा देने से उसका बेस की जो फिनिशिंग है वो भी ख़राब हो जाती है. इसलिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें उसकी क्वांटिटी को हमेशा आप लोग मैनेज करें. ये और यहाँ पे मैं अपने डार्क सर्कल पे लगा रही हूँ अभी. लाइक दिस. और जहाँ कहीं भी ये आपके डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वहाँ पे आप ये वाला कंसीलर जो कि न्यूड पिंक शेड मैंने चूज़ किया है वहाँ पे आप ये लगाएंगे. अब जैसा यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन भी है तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसको डैप डैप करके जो है वो लगा लूँगी ताकि मेरे ये कवर हो जाए. पर इसको आपने डैप करना है, इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है. वेर एवर यू हैव डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन कुछ भी है तो उन जगहों पे आप पहले ये, जैसे कि आपके यहाँ पे भी डार्क लाइन्स आती हैं तो आप यहाँ पे भी ये अप्लाई करेंगे इस तरह से. ठीक है, ये हमने पहला अपना कंसीलर जो है न्यूड पिंक वो हमने अप्लाई कर लिया. उसके बाद हमारा स्टेप आता है कि हमने फाउंडेशन जो है वो लगानी है, और फाउंडेशन जो है मैं वो लगाऊंगी जल्दी जल्दी से आपको एक क्विक रिव्यू देने के लिए. जीजी का आइवरी शेड है और एक्वा बूस्ट का मेरे पास ये दो कलर्स हैं. इन दोनों को मैं ब्लेंड करके तो मैं यूज़ करूँगी. और ज़्यादा मैं, क्योंकि आज कंसीलर के बारे में बात कर रही हूँ और फाउंडेशन भी आप इसमें देख सकते हैं कि वो कैसे अप्लाई की जाती है और कैसे सेट करते हैं उसको अपनी स्किन में. जैसे मैं बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में ये लिया है इन दोनों को, और इनको थोड़ा सा आपस में मिक्स किया है. ब्यूटी ब्लेंडर आपने लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर के ज़रिए आपने फिर अपनी बेस जो है वो सेट करनी है. इसको भी आपने टैप करना है अपने फेस के ऊपर. इस तरह से. इस तरह से आप अपनी फाउंडेशन जो है वो सेट करते जाते हैं. इसको आपने ज़्यादा इस तरह से रगड़ना नहीं है क्योंकि उस तरह से बेस जो है आपकी सेट नहीं होती. मैं बिल्कुल इसको मीडियम कवरेज तक मैं सिर्फ कर रही हूँ. इसको हम लोग
थोड़ा सा मीडियम टू हाई की तरफ भी कवरेज को लेके जा सकते हैं, उसका भी तरीक़ेकार होता है जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कभी ज़रूर शेयर करूँगी। आप अपने आईज़ के ऊपर हल्का सा कंसीलर भी लगा सकते हैं और साथ में फाउंडेशन जब आप अपनी सेट कर रहे होते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपकी आईज़ भी जो है वो प्राइम हो जाती हैं। जितना आप इसको अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपकी फाउंडेशन जो है वो स्टे भी करेगी और बेस अच्छी लुक आएगी। अच्छा, और दूसरी बात, अपने लिप्स को भी ज़रूर आप थोड़ी सी बेस लगाया करें, क्योंकि अमूमन लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे लिप्स का कलर जो है वो लिपस्टिक का कलर कई दफ़ा वैसा नहीं आता कि जिस तरह के हम लगाना चाहते हैं, बल्कि डिफरेंट आता है। उसका जो है वजह ये होती है कि सबके अपना एक लिप कलर भी होता है, किसी का पिंक होता है थोड़ा का, किसी का थोड़ा ब्राउन साइड पे होता है, और इस वजह से जो है लिपस्टिक का शेड दोनों के ऊपर डिफरेंट आता है, क्योंकि आपके अपना लिप्स का जो कलर है उस पे डिपेंड करता है कि आपका लिपस्टिक का कलर क्या आएगा। तो अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं कि वो एक जैसा शेड आए लिप्स के ऊपर, तो जब आप बेस बना रहे हैं तो अपने लिप्स के ऊपर भी थोड़ी सी बेस लगा लें, तो उससे लिप्स जो लिपस्टिक का शेड है वो सेम आएगा। ये इस तरह से आपने फाउंडेशन लगानी है, और फाउंडेशन लगाने के बाद अब आती है बारी कि हमारा जो दूसरा कंसीलर है हम लोग वो लगाएंगे। पहले मैंने न्यूड पिंक यूज़ किया था, अब हम फेयर लाइट कहाँ यूज़ करेंगे। फेयर लाइट हम लोग यूज़ करेंगे जो कि हमारे होते हैं वो एरियाज़ जो कि हमने हाईलाइट करने होते हैं, जो हमने ज़्यादा प्रोमिनेंट करने होते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है, जहाँ हमें ब्राइटनिंग की ज़रूरत होती है हमारे फेस पे, वहाँ पे हम लोग जो है लाइटर टोन, अपने शेड से वन शेड लाइटर टोन, यानी कि जो हमारा फेयर लाइट कलर है ओरिफ्लेम का कंसीलर का, वो हम यूज़ करेंगे। वो एरियाज़ मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से होते हैं, जैसे कि ये हमारे अंडर आइज़ पे हमें थोड़ी ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए होता है। आप चाहे हाथ से लगा लें या ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लें। ये एरिया हमें थोड़ा सा अपना हाइलाइटेड चाहिए होता है और ब्राइटन चाहिए हमें, इस वजह से यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद ये वाला कंसीलर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अंडर आइज, ये आपका नोज की जो सेंट्रल लाइन है, ये आपका फोरहेड का ये एरिया, लिप्स का, ये चिन का, ठीक है। और कई लोग अपना यहाँ पे भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते होते हैं इस जगह पे और इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। बेसिकली हमारा ये एरिया है, ये और ये, यहाँ पे आपने इस हाइलाइटर को लगा लेना, सॉरी कंसीलर को, जो हमने हाईलाइट करने हैं। और इसको भी आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना। इधर मैंने बहुत थोड़ा लगाया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। इस तरह से हम लोग इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। दैट्स इट।
इस तरह से जो है हमारा मैंने आपको आज डेमो दिया है कि किस तरह से हम लोग अपने कंसीलर्स ओरिफ्लेम के यूज़ करते हैं और अपनी फाउंडेशन हम लोग कैसे सेट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमने इन कंसीलर के कलर्स को यूज़ करना है। जब आपकी इतना फाउंडेशन और सब बेस आप लगा लेते हैं तो उसके बाद आप अपना सेटिंग पाउडर या फेस पाउडर अप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच।